बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, पाकिस्तान रेंजर सिंध में जॉब्स आ चुके हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जीडी और सिपाही के लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का और एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से देख सकते हैं और किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको बुलाए तेरह पहुँच जाए। बड़कर अप्लाई करते रहे। आप डायरेक्ट गूगल पे आएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे फाइंड न्यू पाक जॉब्स 24, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। ये पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। ये पहले नंबर पर देख रहे हैं पंजाब रेंजर, ये इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये देख रहे सेंड रेंजर है और ओपन मेरिट जो है 7.5 है। और इसमें इस एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है और हर सूबे के लिए अलग-अलग तारीख और डेट दिया गया है, और मेल एंड फीमेल के लिए भी अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं जिस तरह खत बराए मर्द के लिए कम अज़ कम 6 फुट 5 इंच है और छाती 33 इंच है और वज़न कम अज़ कम 121 पॉइंट्स है तकरीब। और बराए खवातीन के लिए 5 फुट 3 इंच है और जो हैसियत बराए खवातीन है, अज़दिवाजी हैसियत बराए खवातीन है, और शादीशुदा भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और 30 सितंबर 2021 कम अज़ कम 18 साल से ज़्यादा 30 साल, और 5 साल इसके लिए मेरे ख्याल रियायत भी है। 33 साल इसके लिए आप 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसकी जो यहाँ अलग-अलग नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप देखकर अपनी जो डेट और अपनी सुबह जो है उस सुबह के सामने, ये है बरबतन और फाटा के लिए 30 अगस्त है, तो उस डेट को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना अप्लाई करेंगे। तो ये मालूम है, तो इंशाल्लाह दोबारा सारा जॉब के वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा। और तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।